दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आपके फोन के अंदर किसी प्रकार कोई वायरस इंस्टॉल हो जाता है या फिर आपका फोन हैक हो जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको ऐसे कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए जिससे आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं, उसी मालवेयर को, उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं जिससे कि आपका फोन हैक हो रहा है। तो इजीली आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं एक भाई के लिए बना रहा हूँ जिसने मेरे को यूट्यूब पर कमेंट किया है कि सर मेरे फोन हैक हो चुका है और मेरे को कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं अपने फोन को सिक्योर रख सकूँ। क्योंकि भाई देखिए, फ़ोन हैक होता है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जाने का खतरा रहता है, जैसे कि हमारी प्राइवेट फोटोज़, इमेजेस होगी, वीडियोस होगी, प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा हमारे गूगल पे UPI ID होती है, उनका यूज़र नेम पासवर्ड। अगर आप फ़ोन के अंदर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपके यूज़र नेम पासवर्ड जाने का खतरा रहता है, और आपके फ़ोन के अंदर आपकी स्क्रीन भी कहीं कास्ट की जा सकती है जिससे कि आपके फ़ोन को हैक करते हुए आपके बैंक अकाउंट से काफ़ी बड़ी अमाउंट का ट्रांजेक्शन भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कैसे आप चेक कर सकें कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, और अगर आपको पता लगे कि आपके फ़ोन हैक हो चुका है तो कैसे उस मालवेयर या फिर उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन का, वो भी फ्री में, बिल्कुल एक भी रुपए दिए। तो अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हो तो इस कंडीशन के अंदर आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे अपने डेली लाइफ के अंदर। क्योंकि डेली लाइफ के अंदर हम सभी कई सारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है, और वहां पर हम कोई ना कोई फाइल डाउनलोड भी जरूर करते हैं, और ये जो हैकर होते हैं उन्हीं फाइलों के अंदर हमारे को किसी प्रकार के ट्रोजन या फिर वायरस को अटैच करके डाउनलोड करवा देते हैं, जिससे कि वो फाइल जब हमारे फोन में रन करती है तो भाई वो इंस्टॉल हो जाती है और बैकग्राउंड में हाइड हो जाती है, और हमें पता भी नहीं लगता हमारा फोन हैक हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ सिस्टम होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि भाई आपका फ़ोन हैक हो चुका है। जैसे कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन इनेबल करते हो तो अगर आपका डाटा बहुत जल्दी खत्म हो रहा है तो ये भी एक सिस्टम है जिससे कि भाई आप पता लगा सकते हो कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, या फिर आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जा रही है, या आपका फ़ोन ऑटोमेटिक पड़ा पड़ा गर्म हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस चलेगी तभी आपका फ़ोन गर्म होगा। अगर आपका फ़ोन गर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका फ़ोन हैक हो चुका है। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन के अंदर आप कैमरा यूज़ नहीं करते लेकिन ऑटोमेटिक आपका कैमरा ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है, या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर किसी प्रकार की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ करते करते ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन होती है वो क्रैश हो जाती है, बैक चली जाती है, होम स्क्रीन पर चले जाते हो, या फिर आपको बार बार आपके फ़ोन के अंदर किसी प्रकार की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिंक आ रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर काफ़ी चांस है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। गाइस देखिए, जो हैकर होते हैं हमारे फ़ोन को हैक करने के लिए किसी न किसी प्रकार की एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जिससे कि वो हमारे फ़ोन के अंदर वायरसेस को इंस्टॉल कराते हैं। अब ये एप्लीकेशन कौन सी होते हैं? ये एप्लीकेशन ज़्यादातर होती है आपको अपने मोबाइल को मॉडिफाई करने से रिलेटेड, जैसे कि थीम मैनेजर डाउनलोडिंग दे देते हैं, या फिर आपको किसी लॉन्चर को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप या फिर वाईफाई हैक करने के लिए कोई टूल अवेलेबल करा देते हैं जिसे आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं फाइल के साथ में ही वो आपके फ़ोन में वायरसेस को अटैच करा के इंस्टॉल करवाते हैं। और जब आप इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये करते हैं कि भाई आपके फ़ोन में कंप्लीट एक्सेस ले लेते हैं, जैसे कि आपके कैमरे का, स्टोरेज का, और आपके सारी यानी लगभग सारी प्रकार की एक्सेस ले लेते हैं, लोकेशन का, इंटरनेट वगैरह का, तभी यह इंस्टॉल होती है। और अगर आप इसे इंस्टॉल करने के लिए इन एप्लीकेशन को ये परमिशन नहीं देते तो भाई वो जो एप्लीकेशन होती है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल ही नहीं होती। तो इस कंडीशन में मजबूरी में आपको वो एप्लीकेशन को देना पड़ता है सारा एक्सेस, जिस वजह से वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है। और आपके साथ में यही फ्रॉड होता है, होता क्या है कि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में बिल्कुल ही हाइड हो जाती है, और बैकग्राउंड में जब भी उसको इंटरनेट मिलता है तो वो आपके फ़ोन की सारी डिटेल किसी दूसरे सर्वर पे भेजने लग जाती है, जिससे कि आपका जो डेटा होता है सेकंड सर्वर पे सेकंड पर्सन के पास चला जाता है और आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो ये कुछ सिस्टम है जिससे आप पता लगा सकते थे और इस प्रकार से आपके फ़ोन को हैक भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर आप उसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने फ़ोन को फिक्स करना चाहते हैं, इस प्रकार के हैकिंग से बचना चाहते हैं और इस प्रकार की जो मालवेयर फाइल है उनको डिलीट करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में क्या करना है, ऊपर ऊपर जहाँ पर जो है आपकी ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्ले प्रोटेक्शन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में क्या करेगा, ये आपके फ़ोन के अंदर जितने भी फाइलें डाउनलोड हैं उन सभी को स्कैन करेगा, और जिसके अंदर भी वायरसेस का डिटेक्ट करेगा वो यहाँ पर शो कर देगा। सिंपली उस एप्लीकेशन को आप डिलीट करते हुए वहाँ से आप उस वायरस को या फिर उस ट्रोजन फाइल को या फिर मालवेयर फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, अगर आपने ये स्टेप कर लिया है तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर एक एंटीवायरस को डाउनलोड करना है इन वायरस फाइल को रिमूव करने के लिए। जो प्ले प्रोटेक्शन होता है ये ओनली ऑन APK फाइल को ही सर्च करता है और बाकी आपकी फाइल को सर्च नहीं करता है, जिससे कि वो आपके स्टोरेज के अंदर जो मालवेयर फाइल पड़ी है उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो उनको रिमूव करने के लिए आपको एक एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप एंटीवायरस परचेज करेंगे तो भाई यहाँ पर आपका खर्चा आ जाता है लगभग 700-800 रुपये का, लेकिन अगर आप फ्री में इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर एक पावरफुल
एंटीवायरस है जिसका नाम है मालवेयर बाइट। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन के अंदर, ये आपको लगभग 30 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो आपका फ़ोन कम्प्लीटली ये स्कैन करता है और वायरस को डिलीट करता है, और आपको उस वायरस को डिलीट करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो सिंपली आपको करना है क्या है, इस आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद में मालवेयर बाइट को सर्च करना है। यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगी, सिंपली इस पर क्लिक करना और इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका कम्प्लीट एक्सेस मांगेगा, जिस तरीके का एक्सेस मांगता जाए इसको कंप्लीट जो एक्सेस है इसको वो कंप्लीट एक्सेस दे देना है। एक्सेस देने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको उसमें देखने को मिलता है स्कैन नाउ का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में ये आपके फ़ोन को स्कैन करने लग जाएगा। अब यहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं, तो आपको भाई वेट करना पड़ेगा, और इस कंडीशन के अंदर वो आपके पूरे फ़ोन को स्कैन कर लेगा। और कहीं पर भी अगर कोई मालवेयर फाइल पड़ी है आपके स्टोरेज फाइल के अंदर या APK फाइल के अंदर कहीं पर भी आपके SD कार्ड में, तो वो उसको डिलीट करता है और आप सिंपली उसे डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, हैक फ्री हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके फ़ोन से वायरस चले जाते हैं तो वो बिल्कुल ही सेफ हो जाए, क्योंकि वायरस के जरिए तो ये जो हैकर होते हैं हमारे फ़ोन को हैक करते हैं। आपको ये चीज़ जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होने वाली है कि एक महीने के अंदर लगभग 6000 से भी ज़्यादा वायरसेस को डेवलप किया जाता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए, ताकि वो आपके फ़ोन के अंदर इस वायरस को इंस्टॉल करा के आपके फ़ोन को हैक कर सकें। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इतने तो भाई अपडेट भी नहीं आते एंटीवायरस के। तो भाई ये एक एप्लीकेशन थी जिसका यूज़ करके आप अपने फ़ोन से वायरस को रिमूव कर सकते हैं। अब इस स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको सिंपली अपने फ़ोन के अंदर जाना है फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको भाई स्टोरेज का, स्टोरेज पर क्लिक कीजिएगा, ऊपर सर्च बार में जाना और वहाँ पर आपको .exe सर्च करना है। जैसे आप .exe सर्च करते हैं, अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई वायरसेस फाइल है तो यहाँ पर आपको शो कर देगी, सिंपली उसको सेलेक्ट करना और डिलीट कर देना, क्योंकि .exe जो एक्सटेंशन होता है ये होता है वायरस फाइलों का, इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करते हुए इसे रिमूव कर सकते हैं और अपने फ़ोन को वायरस फ्री बना सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर SD कार्ड यूज़ करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो SD कार्ड में जाइएगा, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, ऊपर सर्च बार में जाना और वहाँ पर आपको .exe सर्च करना है। अगर कोई भी फाइल दिखाई देती है सिंपली डिलीट कर दीजिए। तो ये कुछ स्टेप थे जिनको फॉलो करते हुए आप अपने फ़ोन से इन वायरस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, अपने फ़ोन को बिल्कुल हैक फ्री बना सकते हैं। तो अगर भाई आपका फ़ोन हैक हो चुका है तो इस कंडीशन के अंदर आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, और इससे जो रिजल्ट आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसके ऊपर और वीडियो बना सकूं और लोगों को इस प्रकार की हैकिंग से बचा सकूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताया कि अगर आप सारे स्टेप को फॉलो करते हो डेफिनेटली आप अपने फ़ोन से उन वायरस फाइल को डिलीट कर सकते हो जिससे कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। क्योंकि देखिए कोई भी हैकर होता है वो आपके फ़ोन हैक करने के लिए उसको वायरस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो आपके फ़ोन में आते हैं उससे वो कंप्लीट एक्सेस उस हैकर को देते हैं। अगर उस फाइल को ही आपने डिलीट कर दिया तो कहें तो भाई आपका फ़ोन बिल्कुल हैक फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो वायरस रिमूव हो चुका है तो आपका फ़ोन भी बिल्कुल हैक नहीं रहा। अब वहाँ पर जो बिल्कुल जो हैक करने वाली फाइल डिलीट हो चुकी है और आपका फ़ोन बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, बिल्कुल नया हो चुका है, और इस कंडीशन के अंदर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं भाई कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में इस फ़ोन को हैक होने की प्रॉब्लम आए ही ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप YouTube पर देखते हैं ढेरों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको बताया जाता है भाई अपनी गर्लफ्रेंड की व्हाट्सएप को हैक करने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको वाईफाई हैक करना है तो भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसी अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जाए जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से देखने को मिलती है, तो भाई उनको बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप प्ले या आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं APK फाइल, जैसे कि कीबोर्ड लेआउट चेंज करने वाली, आप कोई लॉन्चर डाउनलोड कर लेते हैं, आप अपने मोबाइल का व्यू चेंज करने वाली कोई एप्लीकेशन जैसे वॉलपेपर डाउनलोडर है, रिंगटोन चेंज करने वाली, या फिर आपकी कॉर्निंग पर लाइट जलने वाली, ऐसी ढेरों एप्लीकेशन मिल जाएंगी आपको प्ले स्टोर पर या फिर यूट्यूब पर जिनकी वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर आपको बताया जाता है इस फाइल को डाउनलोड करना, और उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड न कराते हुए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करवाया जाता है। जैसे एक होगा वेबसाइट है जिसके ऊपर ढेरों ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जहां पर आप इस प्रकार की हैकिंग वाली चीजें कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली क्या करती है आपके फोन को हैक कर लेती है और आपको ही नुकसान पहुंचाती है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ऐसी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें जो आपके फ़ोन को मॉडिफाई करती हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, इससे आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है, आपको अपने फ़ोन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको अपनी फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है अननोन सोर्स, इसके ऊपर क्लिक करना, ढेरों एप्लीकेशन शो कर देगी जो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है, और ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसे आपको अननोन सोर्स की ज़रूरत नहीं, यानी कि जहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करते उन सारी के अननोन सोर्स को ऑफ कर दीजिएगा, जिससे कि वो एप्लीकेशन किसी प्रकार की बैकग्राउंड में फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करवा पाएगी, जिससे कि आपका फ़ोन बिल्कुल हैक होने से बच जाएगा। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक थी जिनका इस्तेमाल करते हो अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जोड़ दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।